आज भाषा और शिक्षा विषय पर कुछ बातचीत करना चाहूँगा। इस विषय पर बातचीत शुरू करने के पहले दो तीन बातें मुझे लगता है कि हमें निर्धारित कर लेनी चाहिए, तय कर लेनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में हम भाषा और बोली के फ़र्क में विश्वास नहीं रखते, यानी हमारे लिए भाषा भाषा और बोली बोली है, ऐसा नहीं है। हमारे लिए सभी भाषाएं और बोलियां भाषाएं हैं। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम भारतीय संविधान में वर्णित भाषाओं को भी अपनी शिक्षाई माध्यम भाषा के रूप में देखने की कोशिश करेंगे। यानी आज के इस विमर्श में हमारे पास भाषा के तीन पक्ष होंगे। अभी तक हम दो पक्षों पर ही बातचीत करते रहे हैं, एक तो भाषा एक विषय के रूप में और दूसरा भाषा एक माध्यम के रूप में। आज थोड़ी चर्चा हम लोग भाषा के तीसरे कोण के बारे में भी करेंगे और वह कोण होगा बहिष्कृत भाषाओं का। ऐसी भाषाएं जो शिक्षा से बहिष्कृत कर दी गई हैं, जिनका कुछ भी भाषा जिनका कुछ भी शिक्षा में नहीं रहा। तो हम तीन रूपों में भाषा की पड़ताल करेंगे, पहली एक विषय के रूप में, दूसरी माध्यम भाषा के रूप में और तीसरी बहिष्कृत भाषाओं के रूप में, या आप हम कह सकते हैं उसको कि जो भाषा शिक्षा में अपने लिए जगह नहीं बना पाई। भाषा के बारे में लंबा चौड़ा विमर्श हुआ है और उसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब अब इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, बल्कि भाषा के जिम्मे बहुत सारे और भी कार्य हैं जिनके द्वारा अब जहाँ हम सपने देखते हैं, मान लीजिए विचार करते हैं, वहाँ तो व्यक्त नहीं करते, लेकिन क्या यहाँ भाषा नहीं होती? यहाँ भी तो भाषा होती है। इसलिए यह कहना कि सिर्फ अभिव्यक्ति का साधन है यह आज के संदर्भ में उचित नहीं होगा। यह ठीक है कि हमारी पीढ़ी के लोग इसी परिभाषा को पढ़कर चूंकि बड़े हुए हैं, इसलिए हमने भाषा का जो ताना बाना है वो इसी परिभाषा के आसपास बुना है। लेकिन हमारे लिए या आज की इस चर्चा के लिए भाषा के थोड़े बड़े फलक को देखा जाए और जिसमें बोली के साथ भी उसके रिश्ते को जानने की कोशिश हम करेंगे। बोलियाँ क्या हैं? एक समाज जिसमें जो जिस भाषा में अपने आप को व्यक्त करता या बरतता है, उसे हम सिर्फ इसलिए बोली कह दें और ये आरोप उस पर लगा दें कि चूंकि वो लिखित भाषा नहीं है, उसके पास अपना व्याकरण नहीं है, उसके पास अपनी लिपि नहीं है, इसलिए वो बोली है, ये संभव नहीं है। कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जो नियमबद्ध न हो। ऐसी कोई भी भाषा बताइए जो जिसका कोई नियम न हो। हर भाषा एक नियम से चलती है। लिपियों का मामला आप सब जानते हैं और जब से SMS आ गया आपने इस राज को और भी ज़्यादा समझ लिया होगा कि हम आराम से अब होली मंगलमय ईद मुबारक रोमन में भी लिखते हैं, बात तो हिंदी की करते हैं लेकिन लिखते रोमन में। तो भाषा का रिश्ता लिपि के साथ जोड़कर और यह बताना कि जिसकी लिपि नहीं है वह बोली है, जिसकी लिपि है वह भाषा है, यह उचित नहीं है। इसलिए भाषा और बोली के इस फर्क को न मानते हुए हम लोग सभी भाषाओं को भाषाएं माने और लगभग 1600 भाषाओं का जिक्र यदि भारत की जनगणना के संदर्भ में किया गया था कि भारत में लगभग 1621 भाषाएं हैं, तो हमारे लिए सभी भाषाएं हैं, हम उनको भाषा और बोली के खानों में न डालें। अब ये हमें देखना होगा कि शिक्षा की भाषा या शिक्षा के दायरे में कौन सी भाषा है। शिक्षा आमतौर पर यदि बोर्डों के हिसाब से देखें जो हम लोगों ने किया है, जिससे हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो आमतौर पर हिंदी अंग्रेजी अनिवार्य भाषाएं हैं हिंदी प्रांतों में। अन्य स्थानों पर एक स्थानीय भाषा और अंग्रेजी एक तरह से अनिवार्य भाषा है। भाषाओं के इस निर्धारण का या उसके विभाजन का मेरी व्यक्तिगत राय है कि उसका भूगोल बड़ा कारण है। वह भाषा छोटी या बड़ी होती है जिस भाषा का भूगोल जितना बड़ा होगा वह भाषा उतनी बड़ी होगी। जिस भाषा का भूगोल छोटा होगा वह भाषा छोटी होती जाएगी या बोली के खाने में डाली जाती रहेंगी। तो हम भाषा के भूगोल को शिक्षा को के दायरे में अभी ध्यान में नहीं रखेंगे कि भाषा के भूगोल के कारण हम किसी भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं शिक्षा के लिए, ऐसा नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा की हम बात करें तो हम देखते हैं कि हम चार कौशलों की बात करते हैं भाषा में, जिसे सुबोपल्ली कहा जाता रहा है और बरसों से, क्या आप तो हम कह सकते हैं कि सदियों से हम इन कौशलों को ही भाषा शिक्षण का एक तरह से प्राय मानते हैं। उसमें भी कुछ परिवर्तन कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है जिस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम देखें कि ये जो चार कौशल हैं
बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, सुबोपली जिसे कहते हैं, इसमें से दो कौशल तो बच्चा अपने साथ लेके आता है, सुनना और बोलना। एक बच्चा सुनता हुआ बोलता हुआ स्कूल में दाखिल होता है। अब स्कूल के पहले दिन को याद करिए, स्कूल पहले दिन क्या करता है उसके साथ। मैं जब पहले दिन स्कूल गया होऊंगा तो मुझे, मैं अनुमान लगाता हूँ कि मैंने ये नहीं कहा था कि म एकार मे, र आकार रा, मे रा, न आकार ना, म नाम, ग आकार ग्या, न ज्ञान, द एकार दे, व देव, ऐसा तो नहीं कहा होऊंगा। मैंने ये जरूर कहा होगा अपनी मातृभाषा में, जो मेरी मातृभाषा है भोजपुरी, उसमें ही कहा होगा कि हमारा नाम ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी है। यानी मैं अपनी भाषा की पूरी वाक्य संरचना लेके विद्यालय के दरवाजे पर हाजिर हुआ था। लेकिन हमें पढ़ाना क्या शुरू किया गया? अ आकारा ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अ। मैं एक भाषा की पूरी संरचना लेके आपके पास जाता हूँ और आप मुझे वर्णमाला पढ़ाने लगते हैं। अब कहा जाता है कि नहीं, वही व्यवस्था ठीक थी मनोहर पोथी वाली, क्योंकि विद्यालय के पास दो ही चुनौती थी। चुनौती दो क्या थी? कि हम बच्चे को लिखना और पढ़ना सिखाएं, सुनना और बोलना तो वो लेके आया है। सुनने का काम तो बच्चे करते रहे विद्यालय में, बोलने के लिए कब अवसर दिया आपने उसको? हमने स्कूलों की क्या बड़ी परिभाषा बना डाली है। इस विद्यालय में 5000 बच्चे पढ़ते हैं और किसी कोने से कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती, इसका मतलब है कि यह विद्यालय बहुत अच्छा है। स्कूलों को अच्छा मानने का एक पैमाना हम लोगों ने ये भी बना रखा है। और भारत में ये कहा जाता है कि शांत हो गए यानी मर गए, तो जहाँ चुप्पी पसरी हुई हो उसे स्कूल मानने की हम गलती करेंगे या कुछ और तरह के विमर्श करने चाहिए कि हम शांत हो जाने की शिक्षा देने वाले विद्यालयों को विद्यालय माने, या जहाँ अपने को अभिव्यक्त करना सिखाया जाता हो उसे विद्यालय माने और उसे भाषा शिक्षण माने। तो शिक्षा का जो वर्तमान स्वरूप है, जिसमें जिसका रिश्ता भाषा के साथ इस तरह ठहरता है कि बच्चे जो भाषा लेके आते हैं उन भाषाओं का विद्यालयों में सम्मान करना होगा। और वह इसलिए करना होगा क्योंकि बच्चा एक पूरी भाषिक संरचना अपने मस्तिष्क में लेके आता है। और इसके पक्ष में जो भाषा विज्ञानी हैं, चाहे वो चॉम्स्की हों, जीन प्याजे हों या वायोग्स्की हों, ये तीनों इस पक्ष में खड़े हैं कि बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता होती है, जिसे वो अपनी अपने सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा या यादृच्छिक सिद्धांत के द्वारा सीखता है। तो बच्चे में जब यह शक्ति है वो भाषा सीख सकता है, तो शिक्षा को भी ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी या ऐसी व्यवस्था देनी पड़ेगी कि वह जिस भाषा को सीख कर आता है, वह जिस भाषा को लेकर आता है, उसका कक्षाओं में सम्मान किया जाए। लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि बहुत तरह के विद्यालय हैं, बहुत तरह के स्कूल हैं जहाँ बच्चे की मातृभाषा के प्रति मन में एक हिकारत का भाव भरा जाता है। यह भाषा व्यक्त नहीं करने, इस भाषा को यदि आप विद्यालय में व्यक्त करते हैं तो आप दंड के भागी होंगे। यानी अपनी भाषा, जिसमें उसकी पूरी संस्कृति एक तरह से व्याख्या पाती है, उस संस्कृति को यदि आप उस भाषा से बच्चे को काटेंगे तो वह अपनी उस विरासत से वास्तव में कट जाता है जो उसे उस भाषा में मिली थी। तो विद्यालय का कार्य संस्कृतियों का या स्थानीय तत्वों का या भाषाओं का रक्षण करना है। यदि हम चाहते हैं कि शिक्षा भाषाओं के रक्षण का कार्य करे, तो यह आवश्यक होगा, यह अनिवार्य होगा कि हम बच्चों की भाषा को कक्षाओं में सम्मान दें। यह सम्मान कैसे दें? यह बड़ी चुनौती है हमारे शिक्षकों के पास कि यह सम्मान हम कैसे दें। आप कहते हैं कि बच्चे विविधता के साथ आएंगे और सभी बच्चों को हम अलग अलग तरह से समझें और उन्हें भाषा सिखाएं। भोजपुरी समाज में, मैं जिस समाज से आता हूँ, वहाँ तो हम जाते ही हैं गोड़ सीख कर। हमारे लिए गोड़ से पैर की यात्रा करना आसान होगा, बशर्ते कि आप लगातार पहले ही से हमें पैर 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 की तरफ ले जाएं। यदि बिंब आपने गोड़ से पैर का करा दिया, भाषा सीखने के लिए यदि यात्रा आपने रूनी से अमरूद की करा दी, तो मुझे आसानी होगी, क्योंकि रूनी का चित्र जो अमरूद है हमारी स्कूली भाषा में, वह मेरे दिमाग में सुरक्षित है। आपके रूनी कहते ही मेरी अमरूद तक की यात्रा आसान हो जाएगी। तो यह जो सेतु का काम करनी चाहिए भाषा को, एक भाषा से दूसरी भाषा को सीखने में, वह हम होने नहीं दे रहे। हम कहते हैं कि नहीं, हम तो यही सिखाएंगे। जैसे बच्चा पहुंचा विद्यालय और वह रोज़ अपनी नंगी आँख से देखता है कि उसके गांव में सूरज मोहन काका के घर के पीछे से उगता और नदी में डूब जाता है,
स्कूल जैसे ही वो बच्चा स्कूल पहुंचता है हम परेशान होने लगते हैं कि बच्चे को जान जाना चाहिए कि सूरज पूरब में उगता और पश्चिम में डूब जाता है। बच्चे के अनुभव जगत में क्या है? बच्चे के अनुभव जगत में है कि वह सूरज को मोहन काका के घर के पीछे से उगता हुआ देखता है और नदी में डूब जाते हुए देखता है। यानी जिधर मोहन काका का घर है वो पूरब, जिधर नदी है वो पश्चिम। शिक्षा को यह व्यवस्था करनी पड़ेगी या ऐसी तरकीब निकालनी पड़ेगी कि हम बच्चों को समझा सकें कि जिधर मोहन काका का घर है वह पूरब है, जिधर नदी है वह पश्चिम है। लेकिन हम उसके अनुभव जगत को काटते हैं और अपनी बात उस पर लादते हैं कि सूरज पूरब से उगता और पश्चिम में डूब जाता है। और इसी तरह से हम वर्षों से नक्शा पढ़ाते रहे, हमने नक्शे को टांगा, क्योंकि ट्रेनिंग में हम लोगों को और आप लोगों को यह सिखाया जाता है कि नक्शे को जाके श्याम पट के किनारे कहीं टांग दीजिए। और पढ़ाना कैसे शुरू करते हैं? ऊपर उत्तर, बच्चा ऊपर देखता है उत्तर, ऊपर उसे दिखाई देती है छत, उसके बाद हम कहते हैं नीचे दक्षिण, नीचे देखता है जमीन। जीवन भर पढ़ा लिखा आदमी ऐसे भूगोल का उपयोग नहीं कर करता। शहर में आप किसी से पूछ लीजिए कहीं जाने का रास्ता, वो आपको दाएं बाएं मोड़ेगा। गांव से आया हुआ कोई आदमी ही आपको बताता है कि सीधे उत्तर चल के थोड़ी दूर के बाद दाएं पश्चिम मुड़ जाइएगा या दक्षिण मुड़ जाइएगा। तो ऐसा जो दिशाबोध हम करा रहे हैं जिसमें दिशाबोध करा ही नहीं पाते, तो ऐसे तत्वों की पहचान भी हमें कक्षा के भीतर करनी होगी और उसे बदलना होगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा को जब हम भाषा, बच्चे की भाषा और अनुभव के साथ जोड़कर देखेंगे, तब शिक्षा में नई तरह की चुनौतियां पैदा होंगी। हम सिर्फ यह कह देना कि भारत की कक्षाएं बहुभाषिक कक्षाएं हैं और वह हमारी शक्ति है, इससे काम नहीं चलने वाला। बहुभाषिकता की पहचान करनी होगी। बच्चे या हम अपनी मातृभाषा के माध्यम से अंग्रेजी के दो चार शब्द सीख लिए तो हम बहुभाषिक नहीं हो गए। बहुभाषिक होने के लिए उस भाषा की संरचना को, उस भाषा के नियम को जानना अनिवार्य होगा। इस गलतफहमी में हम न रहें कि हमने किसी भाषा के दो चार दस शब्द जान लिए तो हमने उस भाषा को जान लिया। भाषा को जानने के लिए उसकी भाषिक संरचना को जानना, उसके नियमों को जानना आवश्यक होता है और इसी नज़रिए से भाषा को देखा भी जाना चाहिए। हमने जिन चार कौशलों पर चर्चा शुरू की थी कि ये जो सूबोपल्ली है उसमें बच्चे दो कौशल अपने साथ लेकर आते हैं, सुनना और बोलना, और दो कौशलों के विकास की जिम्मेवारी एक तरह से हम विद्यालयों पर सौंपते हैं कि इन बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखा दिया जाए। अभी अभी का एक रिपोर्ट ये बताता है कि दिल्ली में भी 8वीं तक के लगभग 75% बच्चे लिखना और पढ़ना नहीं जानते। अब समाज के पास भाषा सिखाने की वह कौन सी तकनीक है कि 6 साल की उम्र तक बच्चा अपनी भाषा का बिना किसी व्याकरण की किताब पढ़े व्याकरण जान जाता है, उस भाषा को बरतना सीख जाता है। ऐसा क्या है हमारी शिक्षाई व्यवस्था में? यह तो हमें अपने समाज से सीखना चाहिए। क्या समाज जिस विधि से, जिस तरह से अपने बच्चों को भाषा सीखने का अवसर दे रहा है, हमारे विद्यालय उस तरह का अवसर दे रहे हैं या नहीं दे रहे? सीधा निष्कर्ष है, यदि आप इन दिनों की चर्चा को और इन दिनों के शोध निष्कर्षों को देखें तो सीधा निष्कर्ष है कि विद्यालय उस तरह की परिस्थितियां बनाने में सफल नहीं हो रहे। और हम लोगों के लिए, विद्यालय में काम करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए यह जरूरी होगा कि हम भाषा के उस सामाजिक रूप को समझते हुए अपने कक्षाओं में कमोबेश उस तरह का ही उपयोग या प्रयोग करें जो समाज एक बच्चे को भाषा सीखने में या भाषा सिखाने में, कह लीजिए थोड़ी देर के लिए, करता है। हमारे पास जो बड़ी चुनौती है भाषा सिखाने की वह है लिखना पढ़ना, लेकिन मुझे लगता है कि उससे बड़ी चुनौती है हमारे संदर्भ में वह है बोलना। जो दो कौशल देकर समाज बच्चे को विद्यालय भेजता है या स्कूल भेजता है उसमें हम सुनने के कौशल को तो बचा ले जाते हैं, क्योंकि हम पढ़ाते रहते हैं बच्चा सुनता रहता है, हम बोलते हैं बच्चा सुनता है। बच्चे के बोलने के जो अवसर हैं वो धीरे 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 सिमटते जाते हैं। और एक अवसर ऐसा भी आता है, आप हम सब अपनी एमए की कक्षाओं का स्मरण करिए, हम में से 5 लोग अधिक से अधिक ऐसे होते थे जिनकी ये नैतिक जिम्मेवारी थी कि वो पढ़ाने वाले गुरुजी से सवाल पूछें या गुरुजी द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दें। तो जहां 100 में 5 लोग सिर्फ एमए की कक्षाओं में मुखर हैं और बोलने को तत्पर हैं, 95 चुप्पी साधे हुए हैं, इसका मतलब है कि नीचे से जो हमारी तैयारी है वो ठीक नहीं है। मैं जिस प्रांत में रहता हूं, बिहार में, वहां ये कहा जाता है कि लिखित परीक्षा तो बिहार के लोग यूपीएससी की बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन आम तौर पर वाइबा उनका बढ़िया नहीं होता। मैं जिस तरह से अपने राज्य की शिक्षा को देखता हूं उसमें मुझे भी ये
महसूस होता है कि हमारे यहाँ हमारे बच्चों को बोलने के अवसर कम से कम दिए जा रहे हैं। हम लोगों की जो व्यवस्था है या जिस व्यवस्था में हम लोग हैं वहाँ ज़्यादा ध्यान हम पढ़ना लिखना सीखो पर है। पढ़ना लिखना सिखा दिया, हमारा काम समाप्त हो गया। और जीवन की जो चुनौतियाँ हैं या जीवन के जो अवसर हैं वो अधिक से अधिक बोलने पर आधारित है। आप अपने जीवन का एक दिन का हिसाब लगा कर देख लीजिए कि आप अपने 24 घंटे में कितना क्षण बोल कर बिताते हैं, कितना क्षण लिख कर बिताते हैं, कितना पढ़ कर बिताते हैं, कितना सुन कर बिताते हैं। मेरा मोटा अनुमान यह है कि हम में से हर कोई बोल कर ज़्यादा काम करता है। और अपने आसपास यदि हम नज़र दौड़ाएँ तो आज का हमारा जो भारत है उसमें बहुत सी ऐसी नौकरियाँ कह लीजिए हैं जो बिना बोले तो पाई ही नहीं जा सकती, और अच्छा बिना बोले तो और भी नहीं पाई जा सकती। यानी अच्छा बोलना उसकी प्रारंभिक शर्त है, और हमारी शिक्षा व्यवस्था इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसकी कोशिश और तैयारी तो हमें विद्यालयों से करनी चाहिए। अब उस मन से मुक्त होना होगा जहाँ पसरी हुई चुप्पी या चुप्पी की संस्कृति में जीना सिखाने वाले विद्यालय महत्वपूर्ण और महान विद्यालय माने जाते हैं। हमें तो जहाँ खिलखिलाहट हो, जहाँ सवालों की अनुगूंज हो, जहाँ बोलते हुए बच्चे हों, गुरु शिष्य संवाद हो। आप याद करिए कि यदि आपको एक 9वीं 10वीं कक्षा के बच्चे से संवाद करना हो, बातचीत करनी हो, तो आपके पास कितने सवाल हैं। आप स्वयं उन सवालों को या तो पहले लिख लीजिए मेरी बात सुनने के पूर्व, आपके पास 7-8-10 सवाल होंगे मुश्किल से। आप पहले कहेंगे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, माता का नाम शायद अब हम लोग थोड़े सतर्क हो गए हैं तो हो सकता है माता का नाम पूछ लें, नहीं पूछिएगा। कितना क्या पढ़ते हो, किस विषय में बहुत मज़ा आता है, क्या बनना चाहते हो, इसके बाद तो सारा खेल सोच सोच के आगे बढ़ेगा। अभी रियो ओलंपिक चल रहा है और हमारे बच्चों के साथ यदि आपको बातचीत करनी होगी, किशोरों के साथ मान लीजिए, तब तो रियो ओलंपिक से अपने आप को 2-4 रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ बातचीत तो आगे चल ही नहीं सकती यदि आप रुस्तम पर बात नहीं करते, आप रियो ओलंपिक पर बात नहीं करते, क्योंकि उसकी दुनिया का जो सच है, जिस दुनिया में वो रह रहा है, उस दुनिया से आप काट के अपने आप को नहीं अलग नहीं कर सकते उसको। अब ऐसी स्थिति में जैसे हम लोगों ने या हम लोगों का बचपन बीता कि भाषा के द्वारा नैतिकता पढ़ाई जाएगी। कैसी नैतिकता पढ़ाई गई हमें, हमने किस तरह की नैतिकता पढ़ी? नैतिकता यह पढ़ी कि हमें हमारे सामने जो है वह लिखने की अनुमति भी आपने नहीं दी। एक उदाहरण से मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूँ। हम में से सभी लोगों ने मेरा विद्यालय पर लेख जरूर लिखा होगा, या मेरा प्रिय पालतू पशु, ये दो लेख तो ऐसे हैं जिस पर हम लोगों में से सब ने कभी ना कभी लेख जरूर लिखा। और मैं पूरे होशो हवास में दावे से यह कह सकता हूँ कि हम में से किसी ने कभी भी अपने विद्यालय पर लेख नहीं लिखा। हमारे विद्यालय में एक सूखी हुई डंठल न थी, लेकिन चूंकि हिंदी के शिक्षक से अंक लेना था इसलिए हमें यह लिखना अनिवार्य था कि मेरे विद्यालय की हरी भरी बगिया, खिलते पुष्प, उछलते कुसुम, पता नहीं और क्या क्या। तो हम और हमारे गुरु दोनों देख रहे थे कि हमारे विद्यालय में एक सूखी हुई डाल न है। लेकिन जब मेरा विद्यालय पर लेख लिखने की बारी आई तो हमने वही लिखा जो हमें नहीं देखना चाहिए। हमारे गुरु ने उसका मूल्यांकन किया जो कहीं से भी सत्य नहीं था। मुझे अंक मिले और मेरा यह विश्वास पुख्ता हुआ कि गलत और झूठ लिखकर भी अंक पाया जा सकता है। मेरे सामने की दीवार पर लिखा हुआ था सदा सच बोलो, जिसके लिए कोई अंक नहीं था। मुझे लगता है आप मेरी बात समझ गए होंगे, इसलिए इसको और विस्तारित करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि यदि विद्यालयों में हम अपने बच्चों को बोलने का अवसर नहीं देंगे तो वो एक तो वो बोलना सीखेंगे नहीं, दूसरी बात यह है कि समाज ने उन्हें बोलने की जो कला दी है और जिस समाज ने हम पर इतना विश्वास किया है, आज भी पढ़े लिखे माता पिता हों, अनपढ़ हों, साक्षर हों, निरक्षर हों, शिक्षित हों, अशिक्षित हों, कुशिक्षित हों, सभी विद्यालयों पर और हम शिक्षकों पर इतना विश्वास करते हैं कि वो प्रतिदिन अपने बच्चों को हमारे पास 6 घंटे के लिए भेजते हैं। हम शिक्षकों में यह जो विश्वास है समाज का, यह हमारी शक्ति है, यह हमारी ताकत है और इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। हम इसकी रक्षा तभी कर पाएंगे ना जब जो समाज की अपेक्षाएं हैं हमसे हम उसे पूरा कर सकें। एक तरफ समाज हमको बोलता हुआ बच्चा देता है और दूसरी तरफ हम उसे चुप बच्चा लौटा रहे हैं और कहते हैं कि समाज हमारे कामों को ठीक से रेखांकित नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि इस तरह की सोच
में बदलाव लाने की आवश्यकता है, इसे हमें बदलना होगा। और यह बदलाव तभी आएगा जब हम बच्चे के उन सीखे हुए कौशलों का उपयोग कक्षा में कर सकें। मुझे एक उदाहरण याद है, बिहार में जब पहली से बारहवीं तक की हिंदी की पाठ्यपुस्तकों की रचना की जा रही थी, तो पहली कक्षा की जो पाठ्यपुस्तक है अंकुर भाग एक, उसके पहले पाठ में, हालांकि एनसीईआरटी की किताब में भी ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसा हुआ कि हम लोगों ने पहला पाठ रखा कि कुछ तस्वीरें रहेंगी और शिक्षक बच्चों के साथ बातचीत करके उन्हें ये अवसर देंगे कि बच्चे इन तस्वीरों के पर बातचीत करें शिक्षकों के साथ, और शिक्षक शिक्षिकाओं के पास ये अवसर रहेगा कि वे उन बच्चों के साथ बातचीत करके जान पाएंगे कि ये बच्चे किस तरह की भाषाई क्षमता लेकर विद्यालय में आए हैं। लेकिन हुआ इसके उलट, लोगों ने कहा कि ये बताइए अब इस फोटो पर क्या बातचीत होगी, ये दो फोटो दे दिया है, और भी कुछ कुछ कहा गया कि पता नहीं किस तरह के लोगों ने इन पाठों का निर्माण कर दिया, और कभी भी किसी ने यह कोशिश नहीं की कि इन पाठों को लेकर हम बच्चों के साथ बैठें और बातचीत करें। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि उन चित्रों के बारे में मैंने जितना सोचा या समझा था, बच्चों ने उससे आगे जाकर और कई ऐसे बिंब दिए उस चित्र में जिसे मैं भी नहीं देख पा रहा था। मेरी पथराई आँखें इतने दिनों से चीज़ों को देखते देखते कहीं ना कहीं एक तरह से कंडीशनड हो गई हैं। बच्चों को उन दो तस्वीरों में पता नहीं क्या क्या दिख रहा था। तो यदि हम बच्चों को बोलने का मौका दें और इस तरह के अवसर मुहैया कराएं, आखिर बच्चा कैसे बोलेगा, ऐसे ही तो बोलेगा नहीं, आपको उसके अवसर देने पड़ेंगे। लेकिन होता यह है कि बच्चा कोई सवाल पूछे और उसका जवाब हमें ना आता हो तो पहले शर्म से हमारा गाल लाल होता है, फिर बच्चे का गाल लाल हो जाता है, ऐसा ही होता है मुझे लगता है। लेकिन शर्म से हम लोगों का गाल नहीं, हम लोगों का कान लाल होता है और बाद में बच्चे का गाल लाल हो जाता है। हालांकि अब इस तरह की के दंड पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन जो वास्तविकता है, जो वास्तविकता के धरातल पर है, वो कमोबेश यही है कि हम अभी भी शायद हम शिक्षक शिक्षिकाएं बच्चों के मन में उठने वाले सवालों के जवाब देने की तैयारी नहीं कर पाए हैं। हो सकता है कि इसलिए भी हम उसे बोलने का या सवाल पूछने का अवसर नहीं दे पाते हैं। तो हमें भाषा और शिक्षा के संदर्भ में यह भी विचार करने की आवश्यकता है कि हम किस तरह की भाषाई कक्षाएं चाहते हैं जहां बच्चों में इन चारों कौशलों का कम से कम समानुपातिक, जिसकी जितनी ज़रूरत है उतना भर तो विकास हो ही जाना चाहिए। अब एक लिखना पढ़ना सिखाने पर हमने 8 साल खर्च किया और पता लगा कि परिणाम सिफर, 75% बच्चे लिखना पढ़ना नहीं सीख पाए, न तो बिहार राज्य के और न ही दिल्ली के। तो इसलिए यह तो आवश्यक है कि हम इस तरह की जो हमारी भाषा सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ परिवर्तन करें, कुछ बदलाव लाएं और एक और स्टीरियोटाइप वाक्य से मुक्ति पा जाएं। हम लोग कहते हैं हमारे समय की शिक्षा, क्या हमारे समय की शिक्षा, क्यों इतराते हैं हम अपने समय की शिक्षा पर। हमारे समय की शिक्षा ने यह तय कर रखा था कि 100 में 85 लोगों को फेल होना है, असफल होना है, और 15 लोगों को आगे बढ़ना है। हम सब उन्हीं 15 लोगों में शामिल लोग हैं। जो 85 पिछड़ गए, आप अपनी पहली कक्षा को याद करिए, जब आपका नामांकन आपके गांव के छतविहीन सरकारी विद्यालय में हुआ होगा या छत वाले विद्यालय में हुआ होगा, तो सोचिए उस समय आपके आसपास कितने मित्र आपके बैठे हुए थे। आप याद करिए अपनी 5वीं कक्षा को, आप याद करिए अपनी 7वीं की कक्षा को, आप याद करिए बोर्ड की परीक्षा को, आप याद करिए 12वीं की बोर्ड की परीक्षा को, और आगे आने वाले दिनों में आपको स्वतः पता लग जाएगा कि पहली कक्षा में जो मित्र आपके आसपास बैठे थे वो धीरे धीरे कैसे छूटते चले गए, और मैट्रिक और +2 तक आते आते तो उसमें से एक बड़ा वर्ग था जो छूट गया था। तो वह व्यवस्था जो असफलों का समाज तैयार कर रही थी, उसे भी आज हम महिमा मंडित करके कहें कि हमारे समय की महान शिक्षा ये नहीं चलने वाला। एक तर्क तो यह है, एक पक्ष यह है। दूसरा पक्ष यह है कि हम कहें कि सब बढ़ें, सब पढ़ें, सब बढ़ें, सब पढ़ें, सब बढ़ें, कैसे बढ़ें। यदि हम बच्चों की शर्त पर, बच्चों की समझ रखते हुए यदि अपनी शिक्षाई संरचनाओं को बदलते नहीं, यदि हम अपनी शिक्षाई रणनीतियों को बनाते नहीं, तो यह हम अपेक्षा कैसे करते हैं कि हमारे 100% बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। और RTE के आने के बाद तो यह तय है कि हर बच्चे को आगे बढ़ने का, कम से कम 8वीं तक पढ़ने का तो हक है। और यह वह समय है प्रारंभिक शिक्षा जिसमें भाषा एक बड़ा कारण है जो बच्चों को आगे बढ़ने से रोकती है। आप यदि किसी ऐसे विद्यालय में चले जाइए जहाँ
उसे अपने घर की भाषा या अपने परिवेश की भाषा नहीं बोलनी, बल्कि उसे वह भाषा बोलनी है जो उसे इस देश से बाहर जाने का पारपत्र देती है। पहली कक्षा की एक बच्चे या बच्ची का अनुमान लगाइए, उस स्थिति का जिसमें वह तुरंत छोटी शंका से समाधान पाना चाहता है, और स्कूल ने यह शर्त लगा रखी है कि तुम्हें छुट्टी तभी मिलेगी जब तुम इसे अंग्रेजी में कहोगे। परेशान है वो बच्ची, नहीं कह पाती क्योंकि उसे सूझ नहीं रहा वो शब्द जिसके जिन शब्दों के सहारे उसे छुट्टी मिलेगी, वो क्या करेगी। अंत में थक हार के अपनी भाषा में कहती है कि मैडम अब हो जाएगा, और उसके बाद उसे छुट्टी मिलती है और वो जाती है। तो इस तरह से बच्चों को हम प्रताड़ित न करें कि उनके जो मनोभाव हैं उन पर भी हम कब्जा कर लें, और उन पर भी ऐसी पहरेदारी बिठा दें कि हम जिस भाषा में और जिस तरह से कहें उसी तरह से वो उसकी व्याख्या करें। मुझे लगता है कि भाषा सीखने का यह सही न तो तरीका है और न ही इस तरह से भाषा सीखी जा सकती है। एक पक्ष और है जिस पर हमने शुरू में बात की थी कि हम चर्चा करेंगे, और वह है शिक्षा का माध्यम भाषा के रूप में प्रयोग में लाना। माध्यम भाषा कहने का मतलब है कि ये बहुत पुराना मामला है कि बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए, मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। एक तो मातृभाषाओं का निर्धारण ही बहुत मुश्किल हो गया है अब इस देश में कि मातृभाषाओं का निर्धारण कैसे करें। बड़े बड़े विद्वानों ने इन मातृभाषाओं को भी कई तरह की भाषाओं में बांट कर रखा है, लेकिन परिवेश से पकड़ी गई भाषा और जिसके गुरु का ठिकाना न हो, यह बहुत सामान्य सा तरीका है यह जानने का कि यह मेरी मातृभाषा है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि भोजपुरी के किन शब्दों को किसने मुझे कहाँ सिखाया। मैंने अपने यहाँ बैलगाड़ी चलाने वाले, खेत में हल जोतने वाले, अपने आसपास रहने वाले शिक्षित स्वतंत्रता सेनानियों और दूसरे शिक्षित लोगों से अपनी मातृभाषा के कौन कौन से शब्द या कौन कौन सी संरचनाएं सीखी थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि विद्यालय जाने के बाद कैसे मनोहर पोथी से हम लोगों ने हिंदी का ककहरा पढ़ा था, या छठी कक्षा में आने के बाद अंग्रेजी की ABCD से उस भाषा को सीखने की शुरुआत की थी। तो यह बहुत सामान्य सा फॉर्मूला कहिए इसको, या पहचानने का तरीका कहिए, कि मातृभाषा वह है जिसके सीखने सिखाने वाले का पता न चले, और जो भाषा सीखी गई है वह आराम से पता लगाई जा सकती है कि इसे हमने किससे और कैसे सीखा है, सीखने का साधन क्या था, सिखाने वाला कौन था। तो ऐसे में हम बहुत पहले से कहते रहे हैं कि मातृभाषा में होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए। लेकिन एक अच्छा काम हम लोगों ने यह किया कि चूंकि उच्च शिक्षा की माध्यम भाषा को बराबर एक खास भाषा के लिए बना के रखा, इसलिए जो नीचे से पढ़कर जाने वाले लोग थे उनका पहले से ही यह विश्वास टूट गया कि यह माध्यम भाषा जो मेरी मातृभाषा है वो आगे की माध्यम भाषा नहीं है। मुझे लगता है कि इसके कारण भी जो हमारी मातृभाषाएं थीं जो आगे या उच्च शिक्षा का माध्यम नहीं दिखाई दे रही थीं, इस कारण भी वो माध्यम भाषा न बन पाई। लेकिन आज भी यह ज़रूरत और आवश्यकता है हमारे देश को कि हम एक बार फिर से विचार करें कि हमारे बच्चे अपनी मातृभाषाओं में शिक्षा ग्रहण करें तो उसका क्या परिणाम निकलेगा या निकलता है। हमने इसकी जांच वास्तव में कभी की नहीं है, यूं ही कह देते हैं ना, नहीं सब ऐसे ही है, बस बच्चे किसी भाषा में सीख लेंगे। दरअसल किसी चीज़ को जांचना और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर होगा कि हम जांच करके देख लें कि जो बच्चे मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और जो सीखी हुई भाषा में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन दोनों के बीच का फ़र्क क्या है। तीसरी बात जो हम लोगों ने शुरू में उठाई थी वो थी शिक्षा से बहिष्कृत भाषाएं। तो इन क्रम में यह कहने की आवश्यकता नहीं है मुझे कि बोली कह के हमने जिनको अलग कर दिया, जिन्हें बहिष्कृत कर दिया, जिन्हें शिक्षा में शामिल ही नहीं होने दिया, वो वैसी भाषाएं हैं जो या तो बोलियों के रूप में जिनकी पहचान होती है, या धीरे धीरे 71 से लेकर 2011 तक की यदि आप जनगणना को देखें तो आपको पता लगेगा कि हमारी देशज भाषाओं के बोलने बरतने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे कैसे कम हो रही है। और मुझे लगता है कि वह शिक्षा व्यवस्था जो इनकी संख्या कम करे वह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है कि एक तरफ साक्षरता की दर बढ़ रही है और हमारी देशज भाषाओं के बोलने बरतने वाले लोगों का प्रतिशत कम हो रहा है। यह कहाँ से उचित होगा कि शिक्षा हमारी भाषाओं को जिसमें हमारे इतने बड़े अनुभव शामिल हैं, हमारी विरासत जिसमें छिपी हुई है, उसे आगे न बढ़ा के धीरे धीरे
ख़त्म करे या ख़त्म करने की ओर ले जाए। तो ऐसी जो बहिष्कृत भाषाएं हैं, एक तो उन्हें भी माध्यम भाषा के रूप में, एक विषय के रूप में शामिल करने की आवश्यकता है। जैसे मेरे प्रांत बिहार में हम अलग अलग भाषा भूगोल में रहने वाले लोग हैं। एक भूगोल मैथिली का है, एक भोजपुरी का है, एक मगही का है, एक अंगिका का है, एक बजिका का है, एक सुरजापुरी का है। तो इतने भाषिक क्षेत्र हैं इस राज्य में। लेकिन चूंकि 8वीं अनुसूची में मैथिली के अतिरिक्त अन्य भाषाएं नहीं हैं, इसलिए समस्या भी है कि हम बाकी भाषाओं को मातृभाषा के तौर पर उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन हिंदी का जो बिहारी रूप है उसका उपयोग तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि इसमें भी एक गलतफहमी बनी रहती है कि हम हिंदी यानी उसके मानक स्वरूप का ही उपयोग करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान में हिंदी को दो स्थानों पर रखा गया है। एक तो 343 से 351 की हिंदी, जिसे हम राजभाषा हिंदी कहते हैं, वह हिंदी जिसमें राजकाज होना है। चूँकि भारत बड़ा विस्तृत भूभाग है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पत्राचार करना, लोगों का आना जाना, तो एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है जो मानकीकृत हो, जैसी लिखी जाए वैसी समझी जा सकती है। यह हिंदी के राजभाषा का स्वरूप है। लेकिन 8वीं अनुसूची में जो हिंदी है वह तो वही नहीं है जो मानकीकृत हिंदी है। 8वीं अनुसूची में जो देश की भाषाएं हैं वो उनका कोई मानकीकृत रूप नहीं लिखा गया वहाँ। आप असमिया को उठा लीजिए, पंजाबी को उठा लीजिए, कोंकणी को उठा लीजिए, मराठी को उठा लीजिए, गुजराती को ले लीजिए, वहाँ कोई, यानी हम जानते हैं कि इन भाषाओं के कई रूप हैं जो उसी भूभाग पर बोले जाते हैं। मराठी एक जैसी बोली नहीं जाती पूरे महाराष्ट्र में, बंगला एक जैसी बोली नहीं जाती पूरे बंगाल में। तो 8वीं अनुसूची ने इन भाषाओं के उन सभी रूपों को मेरी जानकारी के अनुसार संविधान सम्मत माना है जो उस भूगोल में बोली जाती हैं। हिंदी भी इस सूची में है। अब हिंदी भी इस सूची में है तो बिहार की हिंदी हिंदी क्यों नहीं होगी, जिसमें हमारी मातृभाषाओं के शब्द जुड़े हुए हैं। भाई, मध्य प्रदेश का एक व्यक्ति कहता है अपन लोग चलेंगे, प्रभास जोशी लिखते थे जनसत्ता के एडिटोरियल में भी कि अपन लोग मैच देखने गए, सचिन तेंदुलकर के बड़े हिमायती थे इसलिए लिखते थे कि अपन लोग गए। अब अपन लोग गए वहाँ, उनकी भाषा में ये शामिल है तो हिंदी का शब्द है ये। अब आप हम कहें कि ना 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 ना, ये तो सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग बोलते हैं, तो यह सुविधा, यह छूट भारतीय संविधान ने दे रखी है हमें कि हम हिंदी के विविध रूपों का वर्ताव या प्रचलन अपने यहाँ कर सकते हैं। यह असंवैधानिक कार्य नहीं है, इसलिए विशेष करके हिंदी प्रांतों में जो हिंदी पढ़ाई जा रही है उसको यह जांचने और परखने की आवश्यकता है कि क्या हमारी हिंदी हमारे परिवेश की हिंदी के साथ तालमेल बिठाकर चल रही है, हमारी भाषाओं के साथ उसका कोई संवाद है या नहीं है। मैं सूचना के तौर पर आपको बता दूं कि बिहार राज्य में जो अंतिम परीक्षा पटना विश्वविद्यालय ने ली थी 1952-53 में, उस समय जो हिंदी की पाठ्यपुस्तक थी वहाँ, उस पाठ्यपुस्तक में दो कविताएँ, एक मैथिली की और एक भोजपुरी की, हिंदी की पाठ्यपुस्तक में रखी गई थी और लिखा हुआ था इन कविताओं के ऊपर मैथिली कविता, भोजपुरी कविता। यानी भाषाओं के बीच जो संवाद था, बिहार की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अपनी स्थानीय भाषाओं के साथ जो संवाद करके आगे बढ़ रही थी, वह संवाद टूटा है। और यह शिक्षा के लिए, विशेष करके प्रारंभिक शिक्षा के लिए, तो बहुत ही हानिकारक है। इसलिए इस टूटे हुए संवाद को स्थापित करने की आवश्यकता है। भाषा में, शिक्षा के दायरे में जितनी भाषाएँ शामिल हैं उनके आपस में बातचीत या संवाद की स्थितियां, परिस्थितियां बनाई जाएं, यह जरूरी होगा। और महत्वपूर्ण बात यह भी होगी कि हम भाषा और बोली के फ़र्क से अपने आप को निकालें, कम से कम विद्यालयों में शिक्षक की भूमिका में, शिक्षिका की भूमिका में रहते हुए या शिक्षा के लिए रणनीतियां बनाते हुए यह कह के किसी भाषा को बहिष्कृत न करें कि यह सिर्फ बोली है, भाषा नहीं हो सकती। भाषा और शिक्षा के इस पूरे विमर्श को यदि हम संक्षेप में देखना चाहें तो वह यह है कि शिक्षा का काम भाषा के बिना नहीं चल सकता, और भाषा सिर्फ भाषा की कक्षाओं में नहीं सीखी जा सकती, बल्कि शिक्षा के दायरे में भाषा को सीखने के बहुत सारे अवसर हैं। उन अवसरों पर हमें ध्यान रखना होगा। इसीलिए तो शायद जो पहली कक्षा की हिंदी की पाठ्यपुस्तक थी है
और शायद होगी भी, उसमें एक तरफ हम लोग वर्णमाला सीखते सिखाते हैं हिंदी में, दूसरी तरफ उसमें निम्नलिखित को जोड़ें और निम्नलिखित को घटाएं या निम्नलिखित को गुना करें जैसे शब्दों का उपयोग भी करते हैं, और यह मानते हैं कि एक बच्चा जो गणित की भाषा है जो उसी लिपि में शायद लिखी जाती है जो वहाँ की स्थानीय भाषा और लिपि हो, तो वहाँ भी कुछ भाषा सीखेगा। इसलिए भाषा सीखने के जो ये अलग अलग अवसर हैं शिक्षा के दायरे में, उन अवसरों को और बढ़ाने की आवश्यकता है। और एक विशेष बात कि बोलने का की कला का विकास इस देश के लिए बड़ी चुनौती है, इसलिए हमें अपनी भाषा और शिक्षा को लेकर ऐसी रणनीति बनाने की आवश्यकता है जिसमें बच्चों को, किशोरों को अपने आप को अभिव्यक्त करने का अधिक से अधिक अवसर मिले। यह अवसर देना भाषा और शिक्षा के रिश्ते के लिए भी आवश्यक है और इस देश के शिक्षाई भविष्य के लिए भी आवश्यक है कि हम एक ऐसी रणनीति बना सकें जिसमें हमारे बच्चों को अपने आप को व्यक्त करने का अधिकाधिक अवसर मिले और उनकी इस अभिव्यक्ति को हम अपने विद्यालयीय जीवन में सम्मान दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ इस विषय पर एक ठहराव। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।